हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, कि हम बनाएंगे एक मॉडर्न हाउस। और वो घर होगा पूरा कंक्रीट का। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने करी, ये देखो, ये मैंने पूरी ज़मीन क्लियर कर दी। यहाँ पे बहुत सारा कचरा था, वो मैंने कर दिया क्लियर। और ये कुछ सैंड और अपना ग्रेवल मैंने माइन किया था, मतलब यहीं पे मिल गया था ये करने से। और बस कुछ नहीं, और बहुत सारी आयरन शवल रखी इसको करने। मैंने अपनी डायमंड शवल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करी, क्योंकि अभी इसके लिए ठीक करने के लिए अपने पास कुछ है भी नहीं। डायमंड लगेंगे, जो कि अपने पास सिर्फ 3 ही है, जैसा कि तुम देख सकते हो। और चलो पहले वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तो घर हम यहाँ पे ज़मीन पे नहीं बनाएंगे, घर हम बनाएंगे पानी के बीच में। यहाँ से एक रास्ता जाएगा, वहाँ पे अपना घर बनेगा, मस्त बढ़िया लगेगा। तो उसके लिए पहले तो हमें कुछ जो रास्ता जाएगा उसके लिए हमें स्मूथ स्टोन और स्टोन ब्रिक की वॉल चाहिए। तो उसके लिए हमें कोबल स्टोन चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने विलेज जाता हूँ, वहाँ पर जो चेस्ट है उससे सारा कोबल स्टोन लेके आता हूँ। और हमें कुछ वुड भी चाहिए ताकि हम ये घर बना सकें। और वो कंक्रीट के लिए तो मैंने सब इकट्ठा कर ही लिया था। मेरी बोट कहाँ गई? बोट इधर है क्या? हाँ ये रही। इससे चलते हैं अपन वहाँ पे। उस चेस्ट में अपना पड़ा होगा मस्त सा कोबल स्टोन, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होगा। हाँ, और ज़्यादा चाहिए भी नहीं हमें। तो कॉन्क्रीट का, वाइट कॉन्क्रीट, ब्लैक कॉन्क्रीट और ग्लास का ही घर बनाना है। ये वाला था चाहिए था। चलो इसमें चलते हैं। किधर है चेस्ट? ये रही। इसमें से ग्रेवल, एक काम करता हूँ, ये डर्ट रख देता हूँ और सारा ग्रेवल निकाल लेता हूँ। 3 ग्रेवल और सैंड। ग्रेवल, सैंड, ये रही सैंड, और तो नहीं है। चलो ठीक है। और इसमें से अपना कोबल स्टोन निकाल लेते हैं। और ये निकाल लिया। और वुड भी ले लेते हैं, इसको रख के। ये ग्रे, अच्छा है तो एंडर साइट है, ये नहीं चाहिए। ये वुड ले लिया, चलो बहुत है। और इसमें भी देखते हैं थोड़ा कोबल स्टोन पड़ा है क्या। हाँ पड़ा तो है, इसको रख देते हैं। सैंड है, और तो सब खाने का है। ओ तेरी, 14 आयरन, इतना सारा आयरन भाई, 46 आयरन हो गया। एक काम करता हूँ, इसको रख देता हूँ। हाँ इतना बहुत रहेगा। एक क्राफ्टिंग टेबल भी ले चलते हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ी सी वुड तो ले ली, ताकि ये इसमें रख देता हूँ। उठ गई, वुड तो है ही, वहाँ पे चेस्ट भी बना लेंगे, ये सब रखेंगे। और हमें थोड़े ओक के वुड चाहिए, ओक की वुड चाहिए, उसके प्लैंक्स। तो ओक काली बायोम जाना पड़ेगा। ओक के पेड़ यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, उस तरफ कहीं पे होंगे तो मैं जाता हूँ, वो लेके आता हूँ। और फिर सारा सामान इकट्ठा करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, मैंने, तुम देख सकते हो, मैं 1 2 3 4 स्टेक वुड, प्लैंक्स और चॉइस प्लैंक्स और मैं ले आया हूँ। और अपने पास ग्रेवल भी हो गया, सैंड भी हो गया। इतना सामान मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से बहुत होगा। और मैं अभी घर जाता हूँ। 2 फर्नेस तो मैंने बना लिए। कोल बड़ा है क्या? कोल नहीं है। घर से कोल और थोड़ी और फर्नेस लेके आता हूँ। और यहाँ पे सैंड को वो होने देते हैं, फर्नेस में डाल देते हैं। और उससे अपने को ग्लास मिल जाएगा, और ग्लास भी अपने को घर में लगेगा, तो वो होता रहेगा। और जब तक हम बाकी का घर बना लेंगे। और हाँ गाइस, जो मैंने वो अपना ये बनाया था, इससे बोन मील भी ले लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं है, 12 ही है, इतना बहुत पड़ेगा। और चलते हैं, ये लेते हैं अपना, क्या होता है, ये बोन भी है थोड़ी सी, ये भी ले लेते हैं। और ये वुड भी ले लो, और कोल ये रहा, फर्नेस है क्या, ये रही, कोल भी है इसमें, सब ले चलते हैं। बहुत हो गया। और बोन है, इससे तो शायद अपना वो बनता नहीं है, चेक कर लेता हूँ। वाइट डाय नहीं बनता। और रात भी हो गई, अबे तू हट पे, मैं सोऊंगा। दिन होते हैं और फिर फर्नेस लेके अपन चलते हैं घर पे, मतलब अभी घर तो बना नहीं है। 41 आयरन, और कुछ तो काम का नहीं है इसमें, ये तोड़ता हूँ, मिल गई। और एक काम करता हूँ, एक बेड भी ले चलते। चलो रेन दो, यहीं आ जाएंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं, चलते हैं यहाँ से।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं और सबसे पहले हम ये चार फर्नेस जो लाए हैं, ये थोड़ा डर्ट है क्या, डर्ट के ये प्लेन कर देते हैं। डर्ट तो अपने पास अब बहुत सारा है, ये इसके ऊपर रख देता हूं और इसमें अपना वो डाल देते हैं सेंड। एक दो तीन चार पाँच, नहीं यार इतना सारा थोड़ी जी है, दो स्टैक बहुत है। वो अपने को वो भी तो करना है, कॉन्क्रीट बनाने के लिए भी सेंड चाहिए। 45 ही है क्या, इतने से क्या होगा, चलो देखते हैं। अभी तो थोड़ा सा ले लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ आधा, इसमें और ये इसमें, चलो वही नहीं के होने देते हैं। और ये देखो एक गिलास हो भी गया, मेरी रेसिपी भी अनलॉक्ड हो गई। और जब तक मैंने बहुत सारा वो भी इकट्ठा कर लिया था अपना, ये वाइट डा है। अब इससे क्या करते हैं, पहले तो हम वो बना लेते हैं अपना। और हाँ, ये नीचे के पे मैं क्या करता हूँ, कोबल स्टोन का ये रहा, ये लेके यहाँ पे डाल देता हूँ। इसका कोल निकालते हैं, यहाँ डाल देते हैं, आधा इसमें डाल देते हैं। इससे अपना वो बन जाएगा स्टोन, और स्टोन से अपन बना लेंगे स्मूथ स्टोन, और बाकी के स्टोन से कुछ वो बना लेंगे स्टोन ब्रिक। और थोड़ा सा कोल वोल और चाहिए, जो कि मैं अभी लेके आ जाता हूँ। और हाँ गई, जब तक ये हो रहा है अपन एक काम करते हैं, पहले अपना वो बना लेते हैं वाइट कॉन्क्रीट। तो चार स्टेक ये ले लिया, चार स्टेक ये ले लिया, हाँ ठीक है। और इससे बनाते हैं, चार स्टेक नहीं यार, थोड़ा सा रख देते हैं, अभी के लिए दो स्टेक बहुत है। ये पूरा कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ, और अपना वाइट डाई बना लेते हैं। एक दो तीन चार, जितनी बनती है इतना ही बना लेते हैं। 12 बन गई, और क्यों नहीं बन रही, इससे क्या बन रहा है, बोन मील से वाइट डाई 39 हो गई, चलो बहुत है। अभी इससे बनाते हैं, हाँ अभी ये वाइट कॉन्क्रीट पाउडर बनेगा, तो इसको ले लेते हैं। चलो एक दो तीन चार स्टेक हो गया, बढ़िया है, ये रख देते हैं। मैंने तो दो, अच्छा वो दो दो लगते हैं ना, इसलिए इसको मैं पहले तो, अभी अपन को इसको वो भी करना पड़ेगा, ये वाइट कॉन्क्रीट का पाउडर है, मतलब ये सेंड है अभी, तो इसको पहले कॉन्क्रीट बनाना पड़ेगा। तो गाइस मेरे पास एक आइडिया आया है कि अपन क्या करते हैं, ये सारा जो भी कॉन्क्रीट का पाउडर है ये मैं लगाता ऊपर तक चल जाता हूँ, और ऊपर से वाटर की बकेट डाल दूंगा, तो ये सब अपना वो बन जाएगा, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वाइट का कॉन्क्रीट पाउडर बन जाएगा। चलो ऊपर चलता हूँ और ये बनाते हैं, पाउडर नहीं वाइट कॉन्क्रीट बन जाएगा, ये पूरा लगाता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी के लिए मैंने दो स्टेक अपना ये वाइट कॉन्क्रीट लगा दिया है, और अब पानी डाल देते हैं। अभी बाकी का दो स्टेक बचा है, वो बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर देता हूँ। और मैंने पानी डाल दिया, और अब पानी उठा भी लेते हैं क्योंकि ये पहुँच जाएगा नीचे तक। हाँ, और ये क्या कर दिया मैंने, अभी ऊपर भी तो जाना पड़ेगा इनको तोड़ने के लिए। पहले ऊपर चलता हूँ, वाटर डालते और फिर इनको तोड़ते हुए नीचे आ जाता। तो गाइस अभी ये प्लेटफॉर्म तो बन गया, अब अपन वाइट कॉन्क्रीट लगाना शुरू करते हैं। पहले मुझे यहाँ पे लगाना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात ये लग गया। फिर इसको एक दो तीन चार पाँच, पाँच ब्लॉक ऊपर ले जाना है, और फिर उस तरफ से मिला देना है। ये मिल गया, हाँ ऐसा ही दिखेगा ये कुछ। और फिर मैं ये वाला तो प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, और फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस फाइनली 1.5 घंटे, 1.5 घंटे बाद हमारा मॉडर्न हाउस कंप्लीट हो चुका है। और उसको देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये रहा हमारा मॉडर्न हाउस, ये देख सकते हो तुम क्या मस्त लग रहा है। ओ ये थोड़ा सा रह गया, ये मैं कर दूंगा। और बस इसमें अभी अपने को कहाँ, चेस्ट वेस्ट बेड और अपना क्या कहते हैं, देखो कितना मस्त लग रहा है यार। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये बेड और थोड़े से लेंटन बना लेता हूँ, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं लगी है। तो भाई लेंटन बना लेते हैं, ये मैंने कहाँ गया, ये आयरन रख दिया, इससे बन गए अपने 54, ज़्यादा ही बन गए। टॉर्च कहाँ गई, टॉर्च इस एंड में है, इसको लेते हैं, इसमें बीच में टॉर्च रख देते हैं, और आसपास ये रख देते हैं। और अपने पास 6 बस, मुझे लग रहा था ये ज़्यादा है। चलो आयरन उधर पड़ा है, ये जितना है इसका बना लेते हैं। और लेंटन लेंटन लेंटन,
इससे बना लेते हैं 10 बहुत होंगे, ठीक है 10 लेंटन बन गए। बेड भी ले लिया और ये सारी फर्नेस भी ले लेते हैं, वहीं पे रख देंगे अपने घर में। टूट जा, क्या मस्त लग रहा है यार घर। और ये क्राफ्टिंग टेबल भी, ये वाली चेस्ट, इसका सामान अभी मैं ले जाऊंगा। और ये लेंटन लगाते हैं पहले तो, और कुछ टॉर्चें भी हैं क्या? हाँ ये टॉर्चें भी लगा देंगे। पहले तो यहाँ पे 2 टॉर्च लगा देता हूँ। गेट खोलते हैं और ये देखो घर अंदर से क्या मस्त लग रहा है। ये थोड़ा सा रह गया, ये पूरा कर देता हूँ मैं। ये लग गया, मेरा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है सारा सामान, कुछ भी नहीं बचेगा इसके बाद। चलो कोई नहीं, घर तो अच्छा लग ही रहा है, और बना लेंगे सामान। ये देखो ऊपर से क्या सही लग रहा है। लेंटन लेंटन, ये रहे लेंटन, एक यहाँ और एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक सेंटर में और 4 नीचे लगा देते हैं, एक यहाँ पे। और अभी के तो लेंटन की कमी है तो इतने कम लगा रहा हूँ, बाद में ज़्यादा लगा लेंगे। एक सेंटर में ये हो गया, क्या सही लग रहा है ये। ओ हाँ एक और काम था, वुड है क्या? वुड, अच्छा क्राफ्टिंग टेबल भी मेरे पास ही है, ये लेते हैं। अंदर चलते हैं पहले। मैं सोच रहा हूँ ये वाला कमरा हम इसका बना लेते हैं फर्नेस रूम, यहाँ पे सारी फर्नेसेस रख देता हूँ। इसमें साला को सारा कोल डाल देते हैं, और क्या है, और बेड ऊपर रख के आते हैं। ये गेट लगा देता हूँ, और सेंटर में अपना बेड लगा देते हैं। और इसको मैं बाद में ये अपना अच्छा सा कर दूंगा अंदर से, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा। और अपना वो क्या कहते हैं, कहाँ गई मेरी क्राफ्टिंग टेबल? कहाँ है मेरी क्राफ्टिंग टेबल? उठी नहीं क्या वो, किधर चली गई? चलो छोड़ो, उसके बेड पे हाथ मार लेते हैं एक बार। और थोड़ी सी मैं वुड लेके वो बना लेता हूँ अपने लिए, क्या कहते हैं, चेस्ट है। और अपना विलेज में भी थोड़ा सामान है, वो भी लेके आना है। ये री क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल, और क्या ले सकता हूँ, शुगर केन ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, स्पाइडर आई, ठीक है। एरो ले लेते हैं यार, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये फेंक देता हूँ, ठीक है। और क्या कर रहे थे अपन, क्या सही लग रहा है। इसको शेडर्स में देखेंगे एक बार, शेडर्स यार मैंने 1.17 में कर लिया, मेरा शेडर्स भी चला गया, वो डालना पड़ेगा। और चेस्ट कहाँ है, ये री यहाँ पे रख देते हैं एक चेस्ट। इसमें रख देते हैं अपना सारा कीमती सामान, नहीं ये नहीं, गोल्ड हो गया। और मैं सारा सामान शॉर्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।